गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार सैनी जेपीसी धौलपुर से। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग डिस्कस किया था और उसमें हमने समझा था कि जो आर्क होता है और जो स्पार्क होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद देखते हैं, जैसे स्पार्क जनरली हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो होती है हाई वोल्टेज एवं लो करंट। बेसिकली हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो होती है मीडियम वोल्टेज एवं लो करंट। जनरली जैसे हम बात करें तो लगभग 220 वोल्ट एंड लगभग 5 एम्पियर के आसपास की हमारे घरों की सप्लाई आती है। ये जो सप्लाई होती है वो सस्टेनेबल टाइप की सप्लाई होती है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि समटाइम वोल्टेज हाई होता है और करंट बिल्कुल लो हो जाती है। तो उस जो हाई वोल्टेज होता है और लो करंट होता है बिल्कुल माइक्रो एम्पियर वाली करंट, ये किलो वोल्ट का है ये वोल्टेज है और ये के किलो है, एक किलो वोल्टेज है हाई वोल्टेज होता है और ये माइक्रो एम्पियर है। तो सेम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें स्पार्क देखने को मिलता है घरों में या बाहर जो तार झूलते हुए दिखाई देते हैं उनमें हमें स्पार्क की सिचुएशन दिखाई देती है। उस स्पार्क की सिचुएशन में हाई वोल्टेज एवं लो करंट होता है जो कि अनसस्टेनेबल होता है, यह वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि जो नॉर्मल जो सप्लाई होती है हमारी 220 वोल्ट और 5 एम्पियर वाली वो सस्टेनेबल होती है, लेकिन ये जो सस्टेनेबल टाइप की जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो इनफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए इनफ हीट प्रोड्यूस नहीं करती है जितना हमें वेल्डिंग के लिए चाहिए होता है। तो इसे हम बोलते हैं ग्लो टाइप डिस्चार्ज। जबकि थर्ड सिचुएशन क्या है हमारी, लो वोल्टेज और हाई करंट, जिसके कारण आर्क जनरेट होती है और ये सस्टेनेबल होते हैं और ये वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। हमें पता है कि आर्क कैसे जनरेट होती है। मान लो ये बर्फ के पीस है, वन और टू, ये वन है और टू, ये मेरी इलेक्ट्रोड दौड़ रही, यह इलेक्ट्रोड है, इसको यहाँ पर टच कराऊंगा, थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, फिर इसको मैं ऐसे मूव कराऊंगा, जिस डायरेक्शन में जो वेल्डिंग करना है उस डायरेक्शन में इसको मूव करूंगा। तो टच करने के कारण आर्क जनरेट हुई, इस आर्क ही हीट का हीट सोर्स का काम करता है। आर्क को फिर मैं आर्क को बनी रख, जो आर्क है वो थोड़ी सी दूरी पर ही बनी रहती है। मैं अगर मैं इलेक्ट्रोड को इतना ऊपर उठा लूँगा तो आर्क बनी नहीं रहेगी, थोड़ा सा ही उठाना पड़ेगा तब आर्क बनी रहेगी। जो ये जो जोन होता है इसे बोलते हैं इफेक्टेड जोन, थर्मल इफेक्टेड जोन, ठीक है। ये आयोनाइजेशन के कारण बनी रहती है। आर्क कैसे जनरेट होती है, आर्क जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज के कारण। हमने पढ़ा था पिछली बार आर्क जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन के कारण जो कैथोड से जनरेट होती है। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये कैथोड है, से हमारी आर्क जनरेट होती है। यहाँ आर्क जनरेट कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कारण। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, ये हमारा आर्क जनरेट हो गया। फिर हमें पढ़ाता है इलेक्ट्रॉन में दो चीज़ें शामिल होती है, एक तो कोर वायर होता है जो फिलर मटेरियल होता है, एक फ्लक्स होता है। जैसे हम देखते हैं इन दो पार्ट्स है, दो वर्कपीस है, वर्कपीस नंबर एक, वर्कपीस नंबर दो, मुझे वेल्डिंग करनी है। तो इस वेल्डिंग में यह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मैं आर्क जनरेट करूँगा आर्क के कारण हीट होगी, हीट के कारण ये पिघलेगा, पिघलने के कारण थोड़ा बहुत मटेरियल लॉस होगा, उस मटेरियल को मैं फिलर मटेरियल की सहायता से भर दूँगा। जो मटेरियल इसमें थोड़ा बहुत गायब हुआ, कहीं इधर उधर चला गया, उसको मैं फिलर मटेरियल की सहायता से भर दूंगा। अब देखते हैं फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल जनरली सेम एज वर्क मटेरियल, वर्क पीस, जो वर्क पीस होगा नंबर एक और नंबर दो लगभग उसी सेम का, लगभग उसी टाइप का या जो कंपेटिबल होगा प्लेट नंबर एक और प्लेट नंबर दो के साथ, उस मटेरियल को हम फिलर मटेरियल के रूप में हमें लेंगे। फ्लक्स, फ्लक्स होता है जो कोटिंग के रूप में होता है, जो फिलर मटेरियल होता है
ये प्लान मटेरियल जो कोर वायर होगा इसके ऊपर हमारा ये फ्लक्स ऐसे रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, हीट के कारण हीट जनरेट हुई इन दोनों के, ये इलेक्ट्रोड रहा, ये वर्क पीस रहा, वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट के कारण ये पिघलेगा, ये पिघलेगा और यहाँ के जमा होगा। ठीक है, ये होती है हमारी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये पिघलेगा, ये तो होगा कोर वायर, जो अंदर वाला पार्ट है वो कोर वायर हो गया, ये पिघलेगा जो फिलर मटेरियल उसके ऊपर है फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या करेगा, फिलर मटेरियल तो उसको भरती है, फ्लक्स क्या करेगा, बाहर के वातावरण से इस वेल्डिंग को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे बाहर के वातावरण में एयर हो गई, मॉइस्चर हो गया और भी जो गैसेस है उससे सुरक्षा प्रदान करता है और स्लैग का निर्माण करता है। स्लैग मतलब एक तरीके की अशुद्धि होती है, वेल्डिंग होगी, वेल्डिंग के ऊपर स्लैग का निर्माण हो गया। जैसे ये है हमारी वन है और टू है, इसमें मेरे जॉइन करना है, ये हो गया, ये तो फिलर मटेरियल हो गया जो इसके साथ पिघल गया, लेकिन इसके ऊपर अलग से एक मटेरियल हो आता था, ये होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या करता है, स्लैग का निर्माण करता है, जो अशुद्धियाँ होती है बाहर के वातावरण की अशुद्धियों से जो वेल्डिंग है वेल्डिंग को सुरक्षा प्रदान करता है। स्लैग का निर्माण क्या होता है, स्लैग होता है एक अशुद्धि, तो इस अशुद्धि को फिर हटा लिया जाता है, जिस अशुद्धि को स्लैग को हटाने के स्लैग है स्लैग को हटाया जाता है उसे बोलते हैं चिपिंग ऑफ ऑपरेशन का नाम है चिपिंग ऑफ, ये चिपिंग ऑपरेशन उसे बोलते हैं, स्लैग को हटा लिया, जो अशुद्धि बनती है बाहर की जो अशुद्धि होती है अशुद्धि को हटा लेते हैं। जैसे तालाब है, तालाब में पानी भरा है, पानी भरने जैसे हवा चलती है, हवा चलती है तो अशुद्धियाँ किनारे पर आकर इकट्ठी हो जाती है, ऐसे ही इसमें होता है कि अशुद्धि होती है बाहरी कॉर्नर पे होती है, अशुद्धियाँ बाहरी कॉर्नर पर होती है जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है। और दूसरी बात, इनएक्टिव गैस जनरेटेड होती है थ्रू द थर्मल डिपोजिशन, जो आर्क होता है, आर्क मेंटेन करने के काम भी आता है फ्लक्स। फ्लक्स का मटेरियल क्या होता है, फ्लक्स का मटेरियल होता है हमारा टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और फेरोमैग्नेट, ये हमारे फ्लक्स के मटेरियल होते हैं। जो ये पूरा जोन है जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है हमारे, वो होता है हीट अफेक्टेड जोन, ये वाला जो जोन है यहाँ दिख रहा है, इस वाले में तो हमारे वेल्डिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई, वेल्डिंग के ऊपर ये स्लैग का निर्माण हो गया। ठीक है, और जहाँ पर हीट आ रही है, हीट के कारण जितना मटेरियल पिघल रहा है जी, ये पूरा मटेरियल हमारे पे लगा है हीट इफेक्टेड जोन। हीट इफेक्टेड जोन में जो टेम्परेचर होता है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, और हम पावर सप्लाई के रूप में एसी और डीसी पावर सप्लाई को काम में लेते हैं। अब आते हैं हमारा अलग अदर टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग में, कार्बन आर्क वेल्डिंग होता है, MIG होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसको भी देखते हैं हम थोड़ा सा जनरल। अभी हमने पढ़ा था जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड में ये कोर मटेरियल होता है, फिलर मटेरियल होता है, उसके ऊपर फ्लक्स होता है, तो इसमें ये फिलर मटेरियल है ये पिघलेगा, उसके बाद ये फ्लक्स पिघलेगा, ये पिघल के यहाँ पर जमा होगा, तो ये एक तरीके की होती है कंज्यूमेबल, मतलब कि जो हमेशा कंज्यूम रहती है, मतलब जो ख़त्म हो जाती है कंज्यूमेबल, ये तो होगी हमारी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जो जनरली होती है कार्बन आर्क वेल्डिंग और MIG में होती है। और जो TIG होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड होती है वो कंज्यूमेबल नहीं होती है और नॉन कंज्यूमेबल होती है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो पिघलती नहीं, मतलब बहुत कम पिघलेगी, पिघलेगी तो सही लेकिन बहुत स्लो पिघलेगी, उसमें हमें फिलर मटेरियल अलग से लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिलर मटेरियल इलेक्ट्रोड के साथ नहीं होगी, उसमें अलग से ज़रूरत पड़ती है। और जो इसमें हम सप्लाई पॉइंट से यूज़ लेते हैं आर्क वेल्डिंग में, AC भी ले सकते हैं और DC भी पावर सोर्स के रूप में हम यूज़ ले सकते हैं। अब हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा फिनोमेना पढ़ते हैं।
उसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और डीसी पावर सोर्स का इनके साथ संबंध। थैंक यू। थैंक यू सो मच।